नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नग्न प्रतिमाएं लगाई गईं। अमेरिका के 5 शहरों में डोनाल्ड ट्रंप की आदमकद नग्न प्रतिमाएं लगाई गई हैं। ये प्रतिमाएं आंदोलनकारियों के कला समूह द्वारा लगाई गई हैं, जिसका कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी के विवादास्पद प्रत्याशी को कभी भी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए। पूर्व में ट्रंप की आलोचना करने वाले इन डिक्लाइन नामक समूह ने गुरुवार को ये प्रतिमाएं न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, सिएटल, क्लीवलैंड में लगाई है। समूह ने कहा कि इन प्रतिमाओं के जरिए हमने अमेरिका के सबसे कुख्यात राजनीतिज्ञों में से एक के प्रतीकात्मक अवतार की आत्मा के भयंकर स्वरूप को दर्शाने का प्रयास किया है। निराश नरसिंह यादव बोले, खुद को बेगुनाह साबित करके ही दम लूंगा। खेल पंचायत के फैसले के बाद रियो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने का पहलवान नरसिंह यादव का सपना टूट गया, लेकिन उन्होंने शुक्रवार को कहा कि वे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पुरुष 74 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाले खिलाड़ी ने कहा कि यह कहना कि खेल पंचायत के फैसले से मैं टूट चुका हूं बहुत कम होगा। पिछले 2 महीनों में मैंने बहुत कुछ छिला है, लेकिन देश के गौरव के लिए खेलने की सोच ने मेरा हौसला बनाए रखा। मेरे पहले बाउट से 12 घंटे पहले रियो ओलंपिक में खेलने और देश के लिए पदक जीतने का मेरा सपना क्रूरता से तोड़ दिया गया। उन्होंने अपने प्रायोजक JFW स्पोर्ट्स द्वारा जारी एक बयान में कहा कि लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं सब कुछ करूंगा, मेरे पास लड़ने की अब यही वजह है। जैसलमेर में संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस पकड़ा। राजस्थान पुलिस ने गुरुवार को जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके से एक संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तचर UR साहू ने बताया कि पुलिस हिरासत में लिए गए संदिग्ध पाक जासूस ने पूछताछ में अपना नाम डंडू बताया है और उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट और वीजा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रतिबंधित स्थान से इस नागरिक को पकड़ा गया है, उस स्थान पर आने का वीजा नहीं है और न ही जिला प्रशासन की अनुमति है। मुंबई हमलों की तर्ज पर हुए थे पेरिस में आतंकवादी हमले। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने नवंबर में पेरिस के कई स्थानों पर हमले करने से पहले मुंबई में हुए 26/11 आतंकवादी हमले और इसी प्रकार के अन्य हमलों का अध्ययन किया था, ताकि अधिकतम लोगों को हताहत किया जा सके। एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेक्शंस मॉनिटरिंग टीम द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ISIS अलकायदा सेक्शंस कमेटी के पास जमा कराई गई 18वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि IS के आतंकवादियों ने पेरिस और ब्रुसेल्स की तरह तकरीबन एक ही समय में कई हमले करते हुए जो कार्यप्रणाली अपनाई, वह सुरक्षा कार्रवाई के संदर्भ में विशेष समस्याओं को दर्शाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सदस्य देशों ने कहा कि यह सोच समझकर अपनाई गई रणनीति थी, ताकि सबसे खतरनाक हमलों के खिलाफ समन्वित एवं लक्षित कार्रवाई करना मुश्किल बनाया जा सके। घबराया हुआ बच्चा बना सीरियाई संघर्ष का प्रतीक। अमेरिका ने विश्व भर में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उस तस्वीर को सीरिया के युद्ध का असल चेहरा करार दिया है, जिसमें एक सीरियाई बच्चा 4 वर्षीय उमरान घबराया हुआ और धूल एवं खून से सना दिख रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने गुरुवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि छोटे से बच्चे के जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उसने अपने देश में युद्ध, मौत, विनाश, गरीबी न देखी हो। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।